नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है टिंट लवर्स के लिए। आपने सही सुना, टिंट लवर्स। आज की वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिनको टिंट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आप सभी बॉटल देखकर भी समझ चुके होंगे कि मैं पोजी टिंट की बात करने वाली हूँ। स्पेशली ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि टिंट लवर्स जो हैं, जिन लोगों को तरह तरह के टिंट यूज़ करना पसंद होता है, या फिर वो अगर एक टिंट में भी स्टक रहते हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, कुछ लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करते हैं और कुछ लोग एक ही प्रोडक्ट में स्टक रहते हैं अगर वो उन्हें सूट कर जाए। तो मैंने पोजी टिंट, मेरा फर्स्ट टिंट है ये, और मैंने पोजी टिंट बाय करा था। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टिंट के साथ, मैं बस वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके साथ देना चाहूँगी और थोड़ा अवेयर करना चाहूँगी प्रोडक्ट्स को लेकर। जब हम स्किन प्रोडक्ट्स को चूज़ करने जाते हैं तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करने चाहिए, और कौन सी प्लेस से बाय करना परफेक्ट रहता है अपनी स्किन के लिए। मैंने इस टिंट को बाय करा था मीशो से। जब मैंने इसकी पैकेजिंग देखी तब ये पैकेजिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आप गूगल कर लीजिए, आपको पोजी टिंट की जो पैकेजिंग है वो ऐसी नहीं दिखेगी। मुझे इसकी पैकेजिंग ऐसी नहीं दिखी थी जब मैंने ये देखा था और मैंने इसे ख़रीदा था, लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुआ है तो मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ। नो डाउट मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी, काफ़ी क्यूट लगी। मुझे पूरा नेल पेंट लग रहा था जब मुझे ये रिसीव हुआ। इसकी कोई एक्सटर्नल पैकेजिंग जो होती है हर एक प्रोडक्ट की नहीं थी, सिर्फ वही पैकेजिंग थी जो एक पार्सल में होती है। सो जब मैंने इसे ओपन करा, एक तो मुझे तब भी लगा कि यार इसकी जो एक्सटर्नल पैकेजिंग है वो क्यों नहीं है, तभी मुझे डाउट लगा कि मे बी ये रेप्लिका ही है। बट मैंने सोचा पैसे अगर इन्वेस्ट करें हैं तो यूज़ भी करना चाहिए। सो मैंने इसे ट्राई करना चाहा और मैंने इसे करा भी। जब मैंने इसे खोला, इसकी कोई फ्रेगनेंस नहीं थी, इसकी एक मतलब कि स्मेल ही नहीं है इसकी बिल्कुल भी। और ये कुछ इसकी जो इसका टेक्सचर है कुछ इस तरह का है, ना ज़्यादा लिक्विड है ना ज़्यादा थिक है, मतलब ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है प्रोडक्ट की ठीक है। पूरा नेल पेंट लगा मुझे, और ये थोड़ा सा आप देख सकते हो इसका जो पिगमेंट है मैजेंटा कलर का आपको लगेगा, इसका पिगमेंट कुछ इस तरह का है। क्यूट है, अच्छा है। अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि मैंने इसे लगाया और मैंने इसे उसी टाइम जो है मर्ज कर दिया अपनी स्किन पे। अच्छा लगा मुझे इसकी जो इसका मतलब कि एक कलर है, क्यूट सा कलर है पिंक में, एंड ब्यूटीफुल सा है इसका पिगमेंट, ब्यूटीफुल सा है इसका पिगमेंट। मैं फिर से आपको एक लेयर लगाकर दिखाती हूँ, चाहे आप लाइन वाले फॉर्म में लगाओ चाहे आप डॉटेड फॉर्म में लगाओ। अच्छे से मैंने इसे मर्ज करा तो मुझे अच्छा लगा। ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, क्योंकि मैं भी आपको बता रही हूँ कि इसका पिगमेंट कैसा है, और आप इस तरह से लगाइए, आप डैपिंग मोशन में लगाइए एंड ड्रैगिंग मोशन में लगाइए। ऊपर जब आपने मेकअप करा होता है तो ड्रैग मोशन नहीं यूज़ करना होता, डैप मोशन ही यूज़ करना होता है, ताकि आपका जो लेयर्स हैं मेकअप की वो ना उतरे। और अगर आप सिंपल स्किन पे लगा रहे हो विदाउट एनी मेकअप, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक के ऊपर, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह का पिगमेंट है, नो डाउट पिगमेंट मुझे अच्छा लगा, अच्छा था पिगमेंट। सो कुछ ऐसा था ये प्रोडक्ट, पर ऐसी पैकेजिंग में था। अब वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय करने जाते हो, आप प्लीज़ जो इनके रियल ऐप्स या रियल लिंक्स होते हैं वहीं से बाय करिए, या जब आप खुद शॉप पे जा रहे हो तो बिल्कुल देख दाग कर ही चीज़ें बाय करिए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है स्किन के लिए, सो प्लीज़ अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा एक्सपीरियंस मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी और बुरा भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैंने मंगवाया और मुझे लगा कि
एक्सपीरियंस तब भी होगा जब मैं इसे मंगवाऊंगी, यूज़ करूंगी, बट अब मैं फ़र्दर तो नहीं मंगवाऊंगी इसको मीशो से या कहीं भी और किसी फेक ऐप से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रेप्लिका है, मुझे रेप्लिका रिसीव हुआ है। और स्किन पे प्लीज़ रेप्लिका प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, स्किन पे रेप्लिका मेकअप प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह के मॉइस्चराइज़र कुछ भी आप यूज़ ना करें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। सो जब फर्दर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सो ध्यान से करें। जो भी लोग टिंट अभी बाय करना चाहते हैं, जिन्होंने टिंट कभी बाय नहीं करा है, प्लीज़ आप रियल साइट्स पर जाके ही बाय करें, ऐसे बाय ना करें। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प ही देना चाहती हूँ, आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि फेक प्रोडक्ट्स और रेप्लिका प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी लोग आजकल सेल कर रहे हैं। आप ध्यान से खरीदिए और ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है करें। टिंट के यूजेस की बात करें तो आप इसको आईज़ के ऊपर, चीक्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये आई शेडो का काम भी करेंगे, ब्लशर का तो करेंगे और लिपस्टिक का काम भी करेंगे। सो इस तरह के इसके यूजेस रहते हैं, आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो स्किन के ऊपर। सो बस यही रीज़न है वीडियो बनाने का कि आप ये समझें कि टिंट जो है आप अच्छा खरीदें, आपको जब फेस पे यूज़ करना है तो आप अच्छा ही टिंट बाय करें, ना कि रेप्लिकास बाय करिए। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आई होप वीडियो बहुत ही अच्छा आप सबको लगा होगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।